और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल को कहीं भी कोई बहुत ऊंची नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उसने अध्यापक का जीवन चुना। अनिल, तुम इसके लिए बधाई के पात्र हो। थैंक यू सर। आप में से तो कई इनके शिक्षक रह चुके हैं और आज ये आपके सहयोगी बनकर इस कॉलेज में पढ़ाने आए हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपका पूरा सहयोग अनिल को मिलेगा। जरूर जरूर। एक्सक्यूज मी सर, मैं यहाँ सहयोग लेने नहीं, देने आया हूँ। बहुत अच्छे। अरे वाह वाह वाह। सर, अब हम लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाएं। जी हाँ। थैंक। अच्छा अनिल, चलो मैं तुम्हारी क्लास से तुम्हारा परिचय करा दूं। सर सर, सबसे पहले मैं इसी परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। ईश्वर करे तुम अपनी नई परंपराएं बनाओ, जितना सोचते हो, जितना कह पाते हो, उससे ज्यादा कर पाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ढोल तो बहुत अच्छा बजा लेते हैं आप, लेकिन क्लास में क्या कर रहे हैं? आपका शुभ नाम? एक बार और बजाइए, एक बार और बजाइए, बजाओ सीटी। कुर्सी लाओ। शुभ नाम पूछा था मैंने आपका? कामेश्वर। कामेश्वर। हाई स्कूल में डिवीजन कौन सा था? फर्स्ट विथ टू बॉडीगार्ड्स। फर्स्ट विथ टू बॉडीगार्ड्स। यू रियली नीड बॉडीगार्ड्स, लुक एट हिज बॉडी। फर्स्ट डिवीजन तो मेरा भी था, लेकिन साथ में कोई बॉडीगार्ड्स नहीं थे, इसीलिए शायद मैं तुमसे बेहतर सीटी बजा सकता हूं। सुनो। साइलेंस। जाइए जाइए। एक मिनट। स्टाफ रूम एंड क्विक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। नंबर टू, मेरी क्लास में कोई हाजिरी नहीं ली जाएगी, हाजिरी आप लोग खुद लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्लास में कौन कौन नहीं आया। नंबर थ्री, मैं एक कंप्लीट टीचर बनना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मैं ये भी चाहता हूं कि आप सब लोग भी कंप्लीट स्टूडेंट बने, उसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा। दरअसल चीज मुझे अपने टीचर्स से नहीं मिली, वो सब कुछ मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं कमिन सर। कमिन। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जबकि आपस में एक दूसरे की पूरी पूरी मदद करें। नहीं नहीं, मेरी क्लास में इस तरह आप लोग अलग थलग नहीं बैठेंगे। चलिए उठिए, मिलजुल कर बैठिए। उठिए ना, शर्मा जी क्या बात है, उठिए उठिए। हाँ चलिए, चलो। हाँ, दस बेटा। यस, चलिए चलिए जल्दी, क्विक, गुड, दैट्स वेरी गुड। हाँ, नाउ इट लुक्स लाइक अ क्लास। अब ठीक है, दैट्स लाइक अ परफेक्ट क्लास। अभी तक आप लोग लड़के लड़कियां लग रहे थे और अब आप सभी लोग स्टूडेंट्स लग रहे हैं। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो इस तरह अभी आप लोग बैठे थे थोड़ी देर पहले, हमें भी अलग अलग बैठा दिया जाता था। तब क्या होता था, एक दूसरे को आंख मारते थे, कागज फेंकते थे, कुछ शैतानी करते थे, मतलब ये कि पढ़ाई करीब करीब नहीं करते थे। मैं आप लोगों के बीच से यही दूरी खत्म कर देना चाहता हूं। फिर भी जो लोग ये दूरी बनाए रखना चाहते हैं, वे लोग पास बैठकर भी ये दूरी बनाए रख सकते हैं। इस दूरी बनाए रखने की ताकत को ही मैं संयम कहता हूं, और बिना संयम के संतुलन 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 संतुलन
मैं कहता हूँ संतुलन ही रखना है तो अपने दिमाग का रखें। हाँ। दिमाग का? अरे भाई छोटा शहर है, छोटे लोग हैं, छोटा विद्यालय है, बड़ी बड़ी बातें करने से एक इतनी बड़ी आग लगेगी कि फिर बुझाए नहीं बुझेगी। हाँ समझा दीजिएगा अपने उस अंग्रेजी शर्मा को। राम मूर्ति जी आप प्रगति की बात कभी नहीं सोचते, हमेशा परंपरा की बात करते हैं। क्यों ना करूं शास्त्री जी, मैं खुद परंपरा हूँ। अरे पहले मुझ में परिवर्तन करो तब जानू है हिम्मत नहीं है। परंपरा को बगैर समझे बूझे उल जलूल हरकतों को आप प्रगति कहते हैं। अच्छा कल शाम को घर आ जाओ, सब समझा दो। नमस्ते मास्टर साहब। आओ भाई अनिल आओ। बहुत सही जा रहे हैं शास्त्री जी आप। अनिल आओ बैठो। आए अब तेरे कॉलेज में लड़के और लड़कियां साथ साथ बिठाकर पढ़ाए जा रहे हैं जी? वो को एजुकेशनल कॉलेज है इसीलिए। को एजुकेशन है तो क्या हुआ, साथ साथ पढ़ते हैं तो क्या साथ साथ बिठाई भी जाएंगे? तुमने कभी देखा है मुझे और तुम्हारी माँ को साथ बैठे हुए? और हम लोग तो शादीशुदा भी हैं। बहरहाल आप किसी लड़की वड़की के साथ नहीं बैठेंगे, समझे? लीजिए। बेटे को लड़कियों के साथ बैठने के लिए मना करोगे? आप क्या पढ़ रहे हो, हर पन्ने पर नंगी औरतें? छी। तुम्हें मालूम है कितना अच्छा अखबार है? हाँ जो पढ़ते उनके लिए ठीक है, जो सिर्फ देखते उनके लिए? उनको कोई नहीं बचा सकता। बात तो गंभीर है मगर घबराने की कोई बात नहीं, अपनी बेटी समझदार है। बेटी जी, आजकल तुम्हारे कॉलेज में लड़के और लड़कियां एक साथ बैठने लगे हैं? जी हाँ, लेकिन मैं सबसे अलग बैठती हूँ, अपनी सहेलियों के साथ। देखा कैसी है अपनी बेटी, जहां जाएगी खेल जाएगी। ऐसे कॉलेज नहीं है जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हूँ? ऐसे कॉलेज तो है लेकिन ऐसा शहर कहाँ मिलेगा जहाँ लड़के ना हो। आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ अनिल, कहीं इस नाटक का कुछ बुरा प्रभाव ना पड़े। सर जो नाटक इन्हीं क्लास में पढ़ाया जा सकता है उसे खेलने में क्या हर्ज है? वो तो ठीक है लेकिन रोमियो जूलियट कहीं कहीं बहुत सेंसुअस है, उत्तेजक है। सर जिन जिन चीजों को जितना जितना छिपाया जाएगा उनसे उनके लिए उतना ही आकर्षण और बढ़ेगा। जो लड़के लड़कियां कॉलेज तक पहुंच गए सर वो लोग क्या नहीं जानते, सब कुछ तो जानते हैं। हालांकि हम लोग ऐसे बनते हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम नहीं और वो लोग भी यही सोचते हैं हम कुछ नहीं जानते। लेकिन सर आप तो अच्छी तरह जानते हैं ये खेल कब तक चलेगा, ये तो खत्म होना ही चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जानते हैं। इस तरह दोनों ओर से अपराध की जो भावना है वो एकदम खत्म हो जाएगी। सर लेट अस नॉट बी रूल्ड बाय फियर एनी लॉन्गर। हाँ जब तुम कहते हो समझाते हो तो बहुत सरल लगता है लेकिन खैर करके देखो। ठीक है सर, थैंक यू। अब सर को समझाती क्यों नहीं, हिंदी में रोमियो जूलियट होना ही नहीं चाहिए, सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अनुवाद बहुत अच्छा किया है, फिर सबको समझ में भी तो आना चाहिए। लेकिन आएगा कैसे, रोमियो जूलियट और किसी भाषा में इम्पॉसिबल। आपको मालूम नहीं शेक्सपियर बहुत भयंकर चीज है। ऐसा तुम्हें लगता है? साइलेंस। बोलो शुरू करो मधु, बोलो। बेटे ने मेरे हाथ करने को पूजा, पूजा करने को पूजा। ठीक से बोलो मधु। चूम कर तुम्हारे हाथ। मधु मधु मालती जूलियट, जूलियट से तुम प्यार करते हो? हाँ। जिसे प्यार करते हो वो क्या तुम्हें कोई खा जाएगा? नहीं। तुम डर के क्यों बोलते हो? क्वाइट। अब जरा ढंग से बोलो प्यार से। हाँ मालती सीधी खड़े हो। हाँ शाबाश। हाँ अब जरा प्यार से बोलो, बोलो मधु मधु। अगर लगा पाप तो प्रायश्चित करेंगे मेरे होंठ चुंबन लेकर। रोमियो जूलियट इधर है, इधर डायलॉग इनसे कहना। मालती चलो सीधे अभी बोलो। सर मैं बोला ना उनको, बोलो ना बोलने को। ऑलराइट 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 मालती
चलो अब तुम बोलो सीधे, शाबाश बोलो, बोलो बोलो मालती, मालती बोलो मालती, प्यार की पूजा तो फूलों से भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है दादू को चुभे। मालती मालती लिसन लिसन, रूमी यहाँ खड़ा, डायलॉग यहाँ बोल, लिसन लिसन सीधे करो, यहाँ रूमी यहाँ, डायलॉग यहाँ। सर देखो ये लोग हमको देख रहे हैं ना, वो लोग हम पे हंस भी रहे हैं, देखो मुझे जगह बैठी है ना। बॉयस पार्टी सीन हम लोग आज नहीं करेंगे, सो नाउ मूव बैक टू योर क्लास एंड क्विक क्वाइटली। देखो अब तो सब लोग चले भी गए ना, अब तो शर्माने डरने और झिझकने की कोई बात नहीं। अरे तुम लोगों की शर्म और झिझक दूर करने के लिए ही तो ये नाटक कर रहा हूं मैं। चलो अब शुरू हो जाओ। मधु उसका हाथ अपने हाथ में लो, हाथ को चूमो और डायलॉग बोलो। डायलॉग याद नहीं? तो बोल नहीं सकते? ठीक 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 से बोल सकते सर। बोल सकते तो करो करो सर। हम कर नहीं सकते सर, हम नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी से कुछ नहीं होता। जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, कोई फायदा नहीं, यूज़लेस, सारी मेहनत बेकार थी। तुम एक ही दिन में रेवोल्यूशन लाना चाहते हो, कैसे होगा? तुम उनसे आंख में आंख मिलाने को कहते हो, गली मिलने को कहते हो, हाथ चूमने को कहते हो, कैसे कर पाएंगे? याद है तुम्हें खुद कितना वक्त लगा था? कविता रोमियो जूलियट शायद ही कर पाए, लेकिन आपकी कृपा से पन जरूर जाएंगे। चलो क्या है? क्या है? अरे एक तो सारा खेल चौपट कर दिया, अब रोब मारती है। खेल मैंने चौपट किया? ये तो क्या मैंने किया? हाँ हाँ सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? अरे हाँ, जब सर ने कहा था कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो तो तुमने क्यों नहीं देखा? जब सर ने कहा कि मेरा हाथ हाथ में लेके गोल घूमो तो तुम क्यों नहीं घूमे? और तो और तुम तो मेरा हाथ भी नहीं चूम सके। बकवास मत करो, जब मैंने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा तो तुम्हारा कंधा क्यों कांप रहा था? जब तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखा तो तुम्हें क्या हो गया था? और चूमने के लिए जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने हाथ क्यों हटा लिया? नहीं नहीं तुम पसीना पसीना हो रहे थे। मैं हो नहीं रहा था, बल्कि तुम अपनी हरकतों से मुझे कर रही थी। चुप, झूठे कहीं के तू झूठी। शट अप, यू शट अप, एक खींचूंगा तो मुसीबत हो जाएगा। मार के तो दे। एक तो गलती करती है, ऊपर से मानती भी नहीं है। माने वो जिसने गलती की हो। ये बात है? हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है। तो ठीक है, हो जाए फैसला। सचमुच? हाँ सचमुच। तो चलो चलो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम। इतना बनठन के कॉलेज जा रही हो? जी जी। क्या अब तो ये होगा ही, लड़के और लड़कियां जब साथ बैठने लगे तो फूल सर पे चढ़ गया। निकालो इसे। उस दिन कितना झूठ बोल रही थी कि मैं तो लड़कियों के साथ अलग बैठती हूँ, और वो शर्मा लड़के के संग क्या नाच गाना हो रहा था? वो नाच गाना नहीं था माँ, वो तो कॉलेज का नाटक था। नाटक? तो क्या नाटक नाच गाना नहीं होता है? वो ब्राह्मण लड़के के संग कुछ भी नहीं करेगी। घर में कितनी छुई मुझे बनी रहती है, अगर तूने मेरी नाक कटाई तो कॉलेज से तेरा नाम कटवा दूंगी। आजकल जूतों को काफी पॉलिश की जा रही है। जी
कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। कॉलेज जाने की या नाटक में जाने की? जी जी हाँ, तुम्हारे मास्टर राममूर्ति मिले थे, काफी तारीफ कर रहे थे। लेकिन वो नाटक तो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो नहीं गया, राममूर्ति ने प्रिंसिपल को कहकर कैंसिल करवाया। लेकिन बगैर मुझसे पूछे तुमने भाग क्यों लिया? जी वो अंग्रेजी के सर ने कहा था इसलिए। जी हाँ, जानता हूँ अनिल शर्मा को। जब अनिल पढ़ता था तब टैरो पर नाम था उसका, जब से पढ़ाने लगा है तब से अजीब बेहुदा हरकतें कर रहा है। जी नहीं तो क्या, अगर होश में होता तो क्या तुम जैसे को लेकर रोमियो जूलियट करता? देखो तुम जरा उसके चक्कर से बच के रहना, वरना मेरा भेद देखा है तुमने। और ये सिनेमा कट बाल कब कटेंगे? कटवा दो वरना मैं एक दिन कैंची से काट दूंगा। चलो मैं तो खाना खा लो। भूख नहीं है। भूखा कॉलेज जाएगा? कहा ना भूख नहीं है। इतनी ऊंची आवाज करके बोलने की क्या जरूरत है? बाप है डांटेंगे नहीं, ये उम्र है बनने बिगड़ने की। मालूम मालूम। प्लीज सिट डाउन। एब्सेंट कर दो। किसको सर? मधु और मालती को। मधु और मालती। Thank you.
चलो ले आओ चलो। लेकिन तुम्हारा घर तो भी बहुत दूर है। इससे आगे साथ साथ जाना ठीक नहीं है। फिर इतवार को? इतवार को तो कॉलेज बंद है। एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके? अनिल के रोमियो जूलियट। यही मत मालती हैं? हाँ पापा। भाई कुछ भी हो, बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। अनिल ने जोड़ी तो गलत नहीं सुनी। अब ये और बात है कि लोग ड्रामा नहीं कर पाए। ड्रामा भी चल रहा है पापा, असली वाला। लगता है शायद कॉलेज नहीं गए। मधु। नमस्ते दीदी। नमस्ते मधु, ये मेरे पापा है। नमस्ते जी। खुश रहो बेटे। क्यों मधु, आज कॉलेज नहीं गए? जी वो मदर की तबीयत खराब थी ना। मदर की तबीयत खराब थी तो तुम्हें भी घर पर रहना चाहिए था ना बेटे। जी जी हाँ, जा रहा हूँ ना, घर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। ये तो मेरा फर्ज था शर्मा जी, वरना आजकल के जमाने में कौन किसमें दिलचस्पी लेता है। वो हम तो ठहरे पुराने आदमी, अब आप जानिए आग लगी देखते हैं, हायर ब्रिगेड को फौरन खबर कर देते हैं। मैं इस आग को जरूर ठंडा कर दूंगा। तो अपने लड़की के माँ बाप को खबर दे दी? वही से तो सीधा चला आ रहा हूँ। तो अब मैं चलूं। नमस्ते। नमस्ते। देखा अपने लड़के को, क्या सोचा था और क्या निकला। अब आए तो इतना पीटो कि हड्डी पसली एक हो जाए। भैया शर्म, मना किया था ना, मत जाना। अरे हम लोग की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं किया, बिल्कुल ख्याल नहीं किया, नहीं मानी ना। अरे भगवान, मना किया था ना कि उस शर्मा के लड़के के साथ मत जाना, नहीं मानी, बिल्कुल ख्याल नहीं किया। अरे मैंने तुझे जन्म क्यों दे दिया, उसी दिन क्यों मर गई। बोल फिर घूमेगा। खाता घर का है और छूटे सांड की तरह आवारागर्दी करता फिरता है। बोल, अगर उस बच्चन लड़की की तरफ तुमने देखा भी तो जान से मार डालूंगा। बोल, देखेगा? बोल, 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 बोल। कल तुम कहां थे मधु? कल तुम कहां थे? आप नहीं जानते सर? नहीं, कल मैं कॉलेज नहीं आया था सर। वो तो मालूम है, तुम्हारे साथ कौन था?
कोई नहीं था सर। झूठ झूठ मत बोलो मधु। सर आप सब जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि मधु तुम्हें शायद जानकर ताज्जुब होगा कि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते। तो फिर शिकायत किसने की? किसी ऐसे ने जो खुद सजा नहीं दे सकता। पर मुझे तो सजा मिल गई सर। देखो प्यार एक बहुत पवित्र चीज है, इसलिए छुप छुप कर प्यार करना पाप है। आज जिस प्यार के लिए प्राइवेसी अपराध है, कल वही तुम्हारा अधिकार होगा। सुनो, अगर तुम्हारा संतुलन बना रहा तो तुम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। लेकिन इसके लिए समय चाहिए, संयम चाहिए। खैर आज तुम मुझसे एक वायदा करो कि आज के बाद कभी भी छुप छुप कर नहीं मिलोगे और प्यार से पढ़ाई लिखाई करोगे। हाँ बोलो। जाओ क्लास में जाओ। चलो हम बसा लें।
हमें जीना भी मरना भी अब इन्हीं बाहों में, हमें जीना भी मरना भी अब इन्हीं बाहों में। अरे दबी दबी धड़कन में बात है जो इस मन में, दबी दबी धड़कन में बात है जो इस मन में, कह दिया छुपा रहे चलो हम बसा ले, दुनिया से दूर नहीं एक दुनिया, चलो हम बसा ले, चलो हम बसा ले, कलियों से फूलों से अनजानी भूलों से, कलियों से फूलों से अनजानी भूलों से जिंदगी सजा ले, चलो हम बसा ले, दुनिया से दूर नहीं एक दुनिया, चलो हम बसा ले, चलो चलो हम बसा ले, चलो, चलो, चलो चलो हम बसा ले। सर समझ में नहीं आता कि क्या करूं, किसे पूछूं? सर शाम को खा पी कर जब पढ़ने बैठता हूं तब नींद आने लगती है, और जब नींद आती है तो सर सपने आने लगते हैं, और सब सपने आते हैं तो सर तो क्लास की लड़कियां दिखाई देने लगती हैं। लड़कियां? माने सिर्फ एक दो, सर फिल्म के एक्ट्रेस दिखाई देने लगती हैं, सर वो कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगती हैं। देखिए सर बुरा मत मानिए, ये सब मैं आपको अपना दोस्त मानकर समझा रहा हूं, सर उसके बाद न सो पाता हूं न पढ़ पाता हूं। कामेश्वर तुम एक काम करो, रोजाना शाम को ठंडे पानी से नहाकर मेरे घर आ जाया करो। अच्छा सर। फिर वहीं खाना खाओ और वहीं पढ़ा करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ। पहले से नहीं था सर, कुछ दिन पहले तक मेरे माँ बाप मुझे जितना प्यार करते थे, जितनी मेरी परवाह करते थे, अब नहीं करते सर। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे तब 24 घंटे में अपने माँ बाप के साथ कितने देर रहते थे, और अब कितने देर रहते हो? बोलो। हाँ सर आजकल तो कभी कभी मुलाकात होती है। बस इसी से समझ लो, जब तुम्हारी तुम्हारे माता पिता से मुलाकात ही नहीं होती तो तुम्हें प्यार कैसे करेंगे। जाओ घर जाओ, उनसे मेल जोल बढ़ाओ, फिर देखो। घर जाओ। थैंक यू सर। अब आपकी क्या समस्या है? सर समस्या ही समस्या है, जब से आपने मना किया है तब से सब कुछ उल्टा हो गया। पहले मिलते थे, बातें करते थे तो एक दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचते थे, लेकिन अब हर वक्त उन्हीं का ख्याल आता है। उनके साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा सर।
क्या आप यही चाहते थे? मालती, कॉलेज बंद हुए 1.5 घंटा हो चुका है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। जाओ, देर हो रही होगी। चलोगे या नहीं? चलना है तो चलो कविता, पर एंजॉय नहीं कर सकूंगा। मालती के सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। दुनिया के हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है अनिल। कविता, जो सवाल मेरी वजह से पैदा हुआ है उसका जवाब तो मेरे पास होना ही चाहिए। अनिल, तुम्हारे मधुमालती उस कदर हमारी जिंदगी में आ घुसे हैं कि पूछो मत। जाने दो ना, क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हो उन्हें? इम्पोर्टेंस की बात नहीं है कविता, सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। अनिल, जब किसी के दिमाग में इस तरह का सवाल पैदा होता है तो दिल कहीं न कहीं से उसका जवाब ढूंढ ही लेता है। सर, हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। भाई, मैं तो यही कहूंगा कि हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, शब्दों का सही ज्ञान और उनका सही प्रयोग ना केवल हमारी भाषा शक्ति को बढ़ाता है बल्कि जीवन में सत्य की खोज में हमारी सहायता करता है। जिस शब्द को आप मन ही मन ध्यान से 10-5 दफा दोहराएंगे और फिर प्यार से कम 5-7 दफा लिख लेंगे, वो शब्द जीवन भर के लिए आपका अपना हो जाएगा। समस्याएं हमारी हैं, वो हमारी अपनी समस्याएं हैं। क्या प्यार पूछ पूछ कर किया जा सकता है? ना मिलना हो पा रहा है ना बोलना, कुछ करो ना, कुछ ऐसा कि हम लोग कम से कम बातचीत तो कर सकें। मेरी लाचारी है मधु, तुम ही कुछ कर सकते हो। मालती, हम लोग ना मिल सकते हैं ना बोल सकते हैं, आजकल तो तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। अब तुम्हें बताओ ऐसे कैसे चलेगा? देखो, हम लोग बातचीत तो कर ही सकते हैं, तुम इम्तिहान जरा जल्दी खत्म करके प्रिंसिपल साहब के कमरे से मुझे फोन करना, मैं अपने दोस्त कामेश्वर के यहाँ रहूंगा। प्रिंसिपल साहब तो इम्तिहान में कॉलेज में घूमते रहते हैं, और चपरासी को मैंने अपनी तरफ कर लिया है। हाँ, कोई बात नहीं, जरूर टेलीफोन करना। कामेश्वर का नंबर है 40059, चिट्ठी पढ़ के फाड़ देना। ले, चाय पी ले। ये क्या, चाय पी ले, यहाँ क्यों रख दूँ? क्या हुआ? अटक गया था। अटक गया था? अच्छा, ये चाय पी ले, निकल जाएगा। पी, चाय पी ले। कामेश्वर जी? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तुम
लेकिन तुम्हारी आवाज, फोन की आवाज बदल जाती है। तुम बोलो बोलो बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम बोलो ना। अरे तुमने तो कहा था कि बोलने का बंदोबस्त करो, अब तुम बोलो, जल्दी बोलो। लेकिन मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, सोच के बोलो। प्रिंसिपल साहब के रूम में सोचना कोई आसान काम है क्या? मुझे तो डर लग रहा है। तो फिर तुम डरो, मैं फोन बंद करता हूँ। नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ, जरा सोचने दो। मालती बिटिया, प्रिंसिपल साहब। हेलो हेलो, क्या हुआ? चुप। आधा घंटा बाकी रह गया है, कुछ तो लिखो लिखो लिखो। मालू, कल भी कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं सकी। हाँ? माँ और बाबूजी रात को बातें कर रहे थे कि इसी सालक में मेरी सगाई कर देंगे। सगाई कर देंगे इतनी जल्दी? हाँ, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन हमारे बारे में किसी को क्या मालूम? मालूम नहीं है तो क्या हुआ, अभी भी शक करते हैं। तो फिर? फिर क्या, मैंने भी सोच लिया है, अगर कुछ हो गया तो मैं भाग कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरे पास? क्यों, क्या तुम डरते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों डरूं, जो भी होगा साथ साथ होगा। हाँ। अरे बाप, मेरा बाप? तेरा नहीं, मेरा बाप। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, वो जो एग्जामिनेशन है ना, हमें बहुत प्रिपेयर रहना चाहिए। हाँ। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। मैं जरा दो मिनट में नहाकर आता हूँ। हाँ। तू बैठ जाना। हाँ? जल्दी जाना, जल्दी आना। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। ए यू, नोप। Half an hour more. रात को मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम रूम में बने हुए थे और मैं जूलियट, और तुम वही डायलॉग बोल रहे थे जो तुमने बोले थे, याद है? और जैसे ही तुम मेरा हाथ चूमने के लिए नीचे झुके, न जाने कहां से तुम्हारी अम्मा और मेरी अम्मा आ गई। तुम्हारी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी ने तुम्हारा, और जैसे वो हमें घसीटने लगे मेरी नींद खुल गई। तुमने तो अधूरा सपना देखा, मैंने तो पूरा सपना देखा। सच बताओ ना, तुमने क्या देखा? नहीं नहीं नहीं, वो सपना बता नहीं जा सकता। बताओ ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं बता सकता। देखो बताओ ना। अरे कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा अभी सोचो कि करना क्या है, आज से तो इम्तिहान भी खत्म हो गए। हाँ, और सुना है कि रिजल्ट भी जल्दी निकल रहे हैं। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, लेकिन तुम तो सुन। पिताजी, पिताजी आप आ जाइए ना 15 मिनट में, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ जी पिताजी।
कहां से फोन कर रहे थे? जी ऑफिस से। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हारी किताबें हैं? जी किताब, जी हाँ। कल मधु का रिजल्ट आ रहा है, फर्स्ट क्लास तो उसका आ ही जाएगा, फिर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाते हैं। अगले महीने से घर खर्च जरा दबा के करना, पढ़ाई में काफी खर्चा होता है। पहले पास तो हो जाने दो। क्यों, क्या तुम्हें शक है? इस बरस पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था उसका, अचानक जवान हो गया है, पास ही हो जाए तो अच्छा। कहीं अगर वो फेल हो गया ना मधु की माँ, तो इस घर में वो रहेगा नहीं। मालती, अपने पिताजी को आज का पेपर दिया। आज का पेपर नहीं आया माँ। अरे अभी तू क्या पढ़ रही थी? वो परसों का पेपर था। मालती, मालती, तू? हमें क्या हुआ? मालती मैं जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? मालूम नहीं। कब जा रहे हो? आज रात को। लेकिन इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? कल रिजल्ट निकलने वाला है, और अगर मैं फेल हो जाऊंगा ना तो घर से निकाल दिया जाऊंगा। उसके पहले ही मैं। तुम इतना डरते क्यों हो? माँ बाप तो सिर्फ डराते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जानती मेरे पिताजी को। हाँ सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? तो फिर मेरा क्या होगा? वो तुम खुद ही सोच लो। हाँ तो फिर मुझे बोलने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही चले गए होते। हाँ शायद यही करना चाहिए था। मालती, मधु, अरे आओ कमिश्नर। सर इस बार अकेला आया हूँ, बॉडीगार्ड्स नहीं है। जानता हूँ, कंग्रेचुलेशंस। लो जाकर मिठाई ले आओ। सर एक बहुत बुरी खबर है। मधु मालती फेल हो गए। नहीं सर, घर से भी भाग गए हैं। तुम क्यों रो रही हो मधु की माँ? रोना तो लड़की वालों को चाहिए। हमें कहीं का नहीं रखा, बर्बाद कर दिया तुम्हारे बेटे ने। आपके लड़के ने भी हमें कहीं का नहीं रखा। इसमें मालती का क्या दोष है? भगा के तो मधु ले गया था। जा भगाया तो मालती ने मधु को। अरे वाह, लड़की कहीं लड़के को भगाती है क्या? नहीं भगाया क्या? पुलिस में रिपोर्ट करूंगी तो पता चलेगा। बात मत करना, हम भी पुलिस में खबर कर सकते हैं। जबरो आप दोनों बहुत सही जा रही है, लेकिन अलग अलग। अरे पुलिस में साथ साथ जाइए। नहीं मास्टर जी, हम पुलिस में नहीं जाएंगे। मधु अगर मेरा बेटा होता तो क्या घर से भाग जाता? जो घर से भाग गया वो मेरा बेटा नहीं है, गुप्ता जी का दामाद होगा। बस 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 शर्मा जी, बहुत हो गया। मधु मेरा दामाद नहीं है, वरना मुझे भी कहना पड़ेगा कि जो भागी वो मेरी बेटी नहीं, आपकी बहू होगी। चलो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ठहरिए, एक बात सुनिए भाई साहब, अगर वो लोग वापस आ भी जाए तो बहू और बेटे को अपने ही घर में रख लीजिएगा। उस बच्चलन को हम क्यों घर में रखे? क्या कहा? मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। जी जा जा, आइए बड़ी आइए बोलने वाली। आप ये अपनी पत्नी को संभालिए। सुनिए, आप घर में मधु मालती के असली भगाने वाले आ गए। आओ भैया आओ। एक बात याद दिलाने आया था मैं आपको, आप लोगों की शादी शायद उसी उम्र में हुई होगी जिस उम्र से मधु मालती आज गुजर रहे हैं।
उस उम्र में आप शादी कर सकते थे, आप प्यार कर सकते थे, बच्चे भी पैदा कर सकते थे। लेकिन जब मधु मालती ने उसी उम्र में प्यार से एक दूसरे का हाथ छू लिया तो आप लोगों ने जमीन आसमान एक कर दिया। आप लोगों ने मिलकर उन्हें अलग करने की कोशिश में उन्हें मिला दिया, भगा दिया। याद रखिए, जब तक इस दुनिया में आप और मुझ जैसे लोग हैं तब तक मधु मालतियां घरों से भागते ही रहेंगे। ये बात आप लोग शर्मा, एक गिलास पानी मिलेगा। श्रीमान अनिल शर्मा जी, आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं। संभाल के, रंग कच्चा है, लग जाएगा। सुनो, जाओ जाके साड़ी बदल कराओ। क्यों? मैं कह रहा हूँ साड़ी बदल कराओ। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं कह रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे पिताजी मेरी माताजी को कहते हैं। हाँ वैसे ही। नहीं वैसे नहीं, मेरी माताजी मेरे पिताजी की पत्नी है और मैं आपकी पत्नी नहीं, समझे? मैं आपकी दोस्त हूँ और आपके साथ सिर्फ भाग कर आई हूँ। तो फिर भाग कर जाके साड़ी बदल कराइए। चाहिए। क्यों बदल कराओ बताओ? इसलिए कि आप एक लड़की हैं और साड़ी पहनने के बाद औरत बन जाती हैं। मैं एक लड़का हूँ, आदमी बनने के लिए क्या पहनूं बताओ? तुम शेविंग तो करते हो? हाँ, उससे तो मैं और छोटा हो जाता हूँ। तो मत करो। अरे फिर मेरी दाढ़ी कैसे बढ़ेगी, मैं आदमी कैसे बनूंगा? ऐसा करते हैं, तुम दाढ़ी करो और आदमी बनो, मैं साड़ी बदल कर लड़की बनकर आती हूँ।
सुनो, मैं लड़की बनकर आ गई और तुम आदमी। अब बताओ क्या करना है। अब करना क्या है, हमने भागने के अलावा अब तक और किया ही क्या है। अब गाना गाओ। गाना गाओ? हाँ गाना गाओ। गाना गाओ? हाँ गाओ। गाओ? हाँ गाओ। सचमुच गाओ? हाँ हाँ सचमुच गाओ। गाना गाओ? गाओ ना। गाओ? हाँ गाना गाओ।
दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो कमरा नंबर 7 है। वो लड़का लड़की जो भाग कर रहे हैं, वही जिनका फोटो अखबार में छपा है, कमरा नंबर 9 में है। आइए मेरे साथ। चलिए। जा रहे हो? मैनेजर से बात करने। तमाशा बना रखा है, सामान चोरी कैसे हुआ? मैनेजर से बात करोगे तो बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। चोरी की बात पुलिस तक पहुंचनी चाहिए। बात पुलिस तक पहुंचेगी तो पकड़े हम लोग जाएंगे। सब तुम्हारी वजह से हुआ। कहां तुम्हें सब बताओ? मैं अकेला बंबई में कुछ भी कर सकता था, कहीं भी रह सकता था। अब तुम्हारा क्या चाल डालूं? मैं नहीं आती तो भी चोरी तो हो ही जाती। कैसे हो जाती? तुमने आती तो कुछ भी नहीं होता। मैं होटल में आता ही क्यों? ये सब मेरी वजह से हुआ ना? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। तुम चली जाओगी? तुम चली जाओगी? अब चोरी हुई तो अकेली चली जाओगी? नहीं, तुम यहां रहोगी अकेली बंबई में। मैं चला जाऊंगा। जाओ। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। जाओ ना, जाओ जाओ। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगा, तुमसे बात भी नहीं करूंगा, लेकिन जाऊंगा भी नहीं। सुनो, हम दोनों को ही यहां से जाना होगा। जैसे घर से भागे थे ना, वैसे होटल से भी भागना पड़ेगा। 6 दिन के पैसे बाकी हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम अकेले कहीं नहीं पहुंच पाएंगे मधु। चलो। एक गिलास पानी मिले? ना, पानी नहीं है, रस बनाए। अरे लीजिए साहब, 8 आने का 1 गिलास मिलेगा, एकदम ठंडा। बोलिए साहब, बनाए रस? भैया पानी दे देते। साहब सबको पानी पिलाए तो धंधा कैसे हो, रस कौन पिएगा? हाँ ये भी ठीक है। दे दो साहब 10 पैसा। भीख मांगता है, शर्म नहीं आती है? काम करेगा? देखा, इतना छोटा सा बच्चा और भीख मांग रहा है,
और जैसे ही काम की बात की तो भाग गया। आप सचमुच मुझे कुछ काम दिला सकते हैं? जब आपने जूस नहीं लिया था तो मैं समझ गया था, अच्छे लोगों को तकलीफ में देखकर, अच्छे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। काम की बात बाद में करेंगे, पहले आपकी पहली जरूरत को मिटा दें। हाँ क्यों रोजी? हाँ चलिए, कहीं मिलजुल के खाते पीते हैं, आप लोगों से ज्यादा तो हमें भूख लगी है। होटल में चोरी के बाद हम लोग चोरी चोरी होटल से भाग लिए। भागने के बाद भटकते रहे, कई बार मन में आया घर वापस लौट चलें। फिर सोचा लौट कर आएंगे तो हमें अपनाएगा कौन, और अब तो सवाल ही नहीं उठता। हमें टॉम और रोजी नाम के बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं, बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं, ये हमें काम धंधा दिलवा देंगे, हम फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। हम लोग टॉम और रोजी के साथ हैं और रहेंगे, ये जहां भी जाएंगे हमें साथ ले जाएंगे। कविता दीदी को हमारा नमस्ते कहिएगा, आपके मधुमालती। क्या कहती हो? कहने को क्या है, मधुमालती अब भी तुमसे जुड़े हुए। कहां जुड़े? जुड़े नहीं होते तो ये खत लिखने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये टॉम और रोजी कौन हो सकते हैं? जो भी होंगे, लेकिन नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉम और रोजी। ठीक है ठीक है, तुमको काम मिलेगा, और फिर टॉम हमारा बेस्ट फ्रेंड। हेलो बाबा, इनको रूम दिखाओ। ए टॉम, ये चिड़िया कहां से लाई रे? ये चिड़िया है तो बहुत दूर की, मगर पकड़ी बंबई में है। और सुन, आज रात को तू कोई गड़बड़ मत करना, आज रात को मामला जरा मुझे ही संभाल लेने दे, तो बाद में जो कुछ भी होगा वो।
चाहे चला जाता हूँ। नहीं हम भाग सकते हैं, नहीं हम भाग सकते हैं। अरे मर जाने से कहीं मधु तुम नहीं, मैं तू अकेला मर सकता है, नहीं मैं अकेली जी सकती हूँ। हाँ मधु, गाता इधर आएगा और मैरिज का प्रपोजल देगा, बोलेगा शादी करने को मांगता है, और हम फिर उसको ना बोलेगा। गॉड, हम जॉन से शादी नहीं कर सकता है, वो तुमको मालूम है क्यों, हम जानता है कि वो को प्यार करता है, हम भी उसको प्यार करता है, लेकिन हम शादी नहीं कर सकता है गॉड।
तो ऐसा क्यों नहीं करता है कोई, ऐसा कोई मिरेकल क्यों नहीं करता है जिसे जॉन को एक अच्छी लड़की मिल जाए, जिससे वो खुशी खुशी शादी करे। गॉड, I need your help. Please help me, God. Please. अरे ओए, उधर क्या करता है? मरने को आया था, फिसल गया। अच्छा, हम इस उम्र में मरने को नहीं मांगता और तुम इतना छोटा से उम्र में मरने को मांगता है, इडियट! चल जल्दी से ऊपर आ जा, फूल। चलो, चलो ऊपर जल्दी। अभी क्या रोता है? पहले मर्द का मकसद मरने को आया था, अभी औरत का मकसद रोता है? चलो मेरे साथ, काय को मरने के वक्त आया था? मैंने एक आदमी को मार डाला। मार डाला? मार डाला? यू किल्ड हिम? अरे बाप रे, उसको काय को मारा? उसने उस लड़की के साथ में बुरा करना चाहा जो मेरे साथ थी। तुम्हारे साथ कोई और भी था? तो लड़की कहाँ है? कब्रिस्तान में। मर गई? नहीं अभी नहीं, मतलब मालूम नहीं। वो कौन से कब्रिस्तान में? उधर वाले। चलो मेरे साथ, बता कहीं का। अरे अभी क्या रोता है? पहले तो मरने को आया था, अभी रोता है। चलो मेरे साथ। ओ लॉर्ड, तुम सबका प्रेयर सुनता है, तुम मेरा प्रेयर क्यों नहीं सुनता है? हम मारिया को, मारिया हमको कितना प्यार करता है, फिर शादी के लिए यस क्यों नहीं बोलता है? 20 years, इट्स ए लॉन्ग टाइम लॉर्ड। हमारा प्यार का उम्र 20 साल हो गया है, फिर भी शादी नहीं हुआ। आज मैं फिर प्रपोज करने को जाता। यू ब्लेस मी लॉर्ड। कौन है तुम? अरे क्या हुआ? तुम काय को रोता है? मैं कल रात को हम लोग यहीं थे। तुम लोग कल रात को इधर था, कब्रिस्तान में? डर नहीं लगा? हम लोग पहले से इतना डर गए थे कि यहाँ नहीं लगा। ओह माय गॉड, तुम प्रॉमिस किया साथ मरने को और मरने गया अकेले। अभी तुम सोचो तुम्हारा छोकरी किधर गया? अगर वो ये सोचता है कि तुम मर गया और वो मरने गया और वो मर गया, हा? तो तुम क्या करेगा? गेट? नहीं, साथ मरने का वायदा करता है, मरने जाता है अकेले। चलो अभी मत रो, कम ऑन बी अ मैन। अरे बेबी, तुम फिर रोता? अरे खाना नहीं खाता, खाली रोता? हाँ, नहीं रोना, नहीं रोना। तुमसे जो प्यार करता वो कभी नहीं मरेगा, और सचमुच प्यार करने वाले कभी नहीं मरता। आपल खाओ, आपल खाओ। अरे गोवा छोटा सा शहर है, हम उसको ढूंढ के निकालेंगे। खाओ, आपल खाओ, आपल खाओ, खाओ, खाओ। You want to take apple? Okay, I'll bring something for you. दूध पिएगा? दूध भी नहीं पिएगा? Okay. चॉकलेट, लिटिल वन, स्वीट लिटिल वन, चॉकलेट, चॉकलेट, कम ऑन, हैव इट, कम ऑन, स्वीट गर्ल, कम ऑन, स्माइल, डोंट क्राई बेबी। ए, तुमको नहीं खाना खाने का तो मत खाओ, मर जाओ। हम तुम्हारा बाप का नौकर नहीं है जो तुमको घड़ी घड़ी खाने के लिए बोलेगा। दुनिया में और भी लोग मरता है, कोई खाना छोड़ता है उनके लिए? क्या प्रॉब्लम हो गया है? अरे बाबा, तुम काय को हमको नहीं बताता है कि तुमने किसको मारा और किधर मारा है? प्लीज। टॉम को मारा। टॉम को? मरी माय, किधर? डिसूजा के यहाँ। अरे वो तो यहाँ का सबसे बड़ा बास्टर्ड है। तुम ऐसा करना, यहाँ से हिलना नहीं, बाहर नहीं जाना, हम दरवाजा बंद कर देता है। हम अभी आता है, हाँ अभी आता है। हाँ
हम तुमको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आया है। मैडम क्यों? क्यों? उधर तुम्हारा बैंड बजवाएगा हम। हमने क्या किया मैडम? मर्डर किया है तुमने। किसका मैडम? टॉम का। टॉम का? कौन बोला मैडम? टॉम तो अच्छा है। किधर है वो? हॉस्पिटल में। आर यू श्योर? यस 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 मैडम। मारिया, 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 दरवाजा खोलो मारिया, प्लीज दरवाजा खोलो। हम शादी का प्रपोज करने को नहीं आया, हम साथ में प्रॉब्लम लेकर आया है। ठीक है, अंदर बैठ के मेरा बात सुनता है फिर भी दरवाजा नहीं खोलता है, हैं? मत खोलो, गो टू हेल, हम कभी तुम्हारे घर को नहीं आएंगा। चलो बेबी, हम इधर से जाते हैं, चलो कम ऑन। अभी तुम लोग सच सच बताओ, तुम्हारा एड्रेस क्या है और तुम किधर से भाग के आए? बोलो बोलो, तुम सच सच बताएगा तुमको वापस जाने का टिकट भी खरीद कर देगा, है ना मारिया? अरे बोलो। लेकिन हमको वापस नहीं जाना। वापस नहीं जाना है? तो फिर तुम कहाँ रहेगा? मालूम नहीं। ठीक है, तुम वापस जाने को नहीं मांगता, तुम इधर रहो, लेकिन घर से क्यों भागा? जी वो प्यार की वजह से। ए मैन, तुम प्यार की वजह से घर छोड़कर भाग रहे हैं? छी 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 छी, कितने थर्ड क्लास लवर्स हैं। अरे इसको देखो, ये 20 साल से हमको प्यार करता है, शादी करने को मांगता है और हम ना बोलता है, ना यहाँ से जाता है, ना हलता है, ना भागता है। क्यों जॉन? नो, नेवर मारिया। ए छोकरी, तुम सच्ची बताओ, तुम घर छोड़कर भाग कर क्यों आया है? हम दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, हमेशा फर्स्ट आते थे, लेकिन जब वो हो गया ना तो फेल हो गए। प्यार में फेल नहीं होने को मांगता, पास होने को मांगता है। देखो, तुमको हमारे पास रहना है तो पास होकर बताना पड़ेगा। लेकिन पास होने के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों के पास कुछ। हम तुमको पढ़ाएगा। लेकिन अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम हमारे पास रहेगा, हमको अच्छा लगेगा, हम तुमको पढ़ाएगा। क्यों जॉन? ऑफ कोर्स, यू आर ऑलवेज राइट मारिया। थैंक यू आंटी। आंटी? हम तुमको आंटी रहता है? हमको आंटी मत कहना, हमारा नाम मारिया है, हमको मारिया कहो। आप तो इतनी बड़ी हैं, मैं आपको मारिया मम्मी कहूँ? मम्मी नहीं कहना, तुम हमको मम्मी कहेगा तो हम मम्मी बनेगा और हम मम्मी बनेगा तो तुम बेटा होगा और तुम बेटा होगा तो जो मम्मी कहेगा वो तुमको करना पड़ेगा। सोचो,
मारिया कहेगा या मम्मी कहेगा? मैं आपको मम्मी कहूंगा। मम्मी कहेगा? मम्मी बोलो। मम्मी मम्मी फिर से कहो। मम्मी कहूंगा। मम्मी कहेगा। मम्मी बेटा जॉनी सुना तुमने? मम्मी जॉन तुमने सुना ये हमको मम्मी कहेगा? जॉन अच्छा लग बहुत खुश है। हाँ, हम भी बहुत खुश है। जॉनी यस हम सोचता है हम तुमसे शादी बनाएगा। तुम्हारा तबीयत तो ठीक है, हमसे मजाक करता? नहीं जॉनी हम मस्करी नहीं करता है। I mean it. तो इतना टाइम क्यों खराब किया? जॉनी हर चीज टाइम पर ही होता है। लड़का लड़की जवान होता है, शादी बनाता है, हस्बैंड वाइफ होता है, फादर मदर होता है। अगर हम तुमसे शादी करता ना जॉनी, I'm very sorry, but तुम फादर नहीं हो सकता था और हम मदर नहीं हो सकता था। इसके वास्ते अब जीसस ने हमको ये दो अच्छा अच्छा बच्चा दिया ना, तुम हस्बैंड बन सकता है, हम वाइफ बन सकता है, तुम फादर बन सकता है, हम मदर बन सकता है। यू अंडरस्टैंड जॉनी? ओ मारिया अंडरस्टैंड, आई एम वेरी हैप्पी जॉनी। मम्मी तुम्हें ज्यादा प्यार करती है और मुझे कम। क्यों? अरे मेरे कपड़े देखो और तुम्हें देखो कैसे दिए। नेचुरली बहू और बेटे में कुछ तो फर्क हो।
अरे मधु। हाँ मम्मी। ये अनिल शर्मा कौन है? अरे मम्मी ये हमारे कानपुर के टीचर हैं। और ये टीसी क्या है? ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट। किस चीज का ट्रांसफर? मतलब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाने के लिए इसकी जरूरत होती है। तो फिर इधर इसकी क्या जरूरत है? एडमिशन लेने के लिए। कैसा एडमिशन? कौन लेगा एडमिशन? हम दोनों लेंगे। हाँ तुम दोनों लेगा एडमिशन? किसके परमिशन से? और किसके परमिशन से तुमने ये लेटर लिखा है? हाँ? क्या हुआ मम्मी? ऊपर से पूछता है क्या हुआ? तुमने ये लेटर दे के उसको हमारा एड्रेस दे दिया। इसका मतलब यह है कि तुम दोनों इधर रहता है। Oh God, you fools! Everything is finished. You understand? लेकिन मम्मी, आप ही ने तो कहा था ना कि जब तक हम पढ़ना चाहेंगे, आप हमें पढ़ाएंगी? हाँ हाँ, हमने बोला था हम तुमको पढ़ाएगा, लेकिन घर में पढ़ाएगा। हम सारा लाइब्रेरी लेके इधर आ जाएगा, प्राइवेट टीचर रखेगा, लेकिन आपके सामने पढ़ाएगा। तुमको कॉलेज कभी नहीं जाने देगा। तुम वो कॉलेज गया तो इधर भाग कर आया, अब इधर ये कॉलेज में जाकर मालूम नहीं किधर भाग कर जाएगा। अब यहाँ से भाग कर कहाँ जाएंगे मम्मी? अरे तुम दोनों आपस में क्या सोचता है और क्या करता है ये किसी को नहीं मालूम। I'm disgusted with y'all. Get out! I said get out! Mummy? Get out! Idiots! Problems! TC, admission, college! उससे भाग कर आए थे वो यहां भी है। वो लोग अपने थे इसलिए उनसे लड़ झगड़ सकते थे, उनसे तो लड़ भी नहीं सकते। इनका प्यार तो हमारे ऊपर एक एहसान है। तो है नहीं, मम्मी ने जो कुछ हमारे लिए किया कोई मां कर सकती है? गुड मॉर्निंग किड्स। मम्मी किधर को है? अंदर। मम्मी अंदर, तुम लोग बाहर? मम्मी ने हमको बाहर निकाल दिया। व्हाट? हाँ, मम्मी ने हमको बाहर निकाल दिया। वेरी गुड वेरी गुड। मम्मी को कैसे मालूम हम सब बाहर घूमने को जाएगा? ठीक है, मैं अभी मम्मी को बाहर बुला के लाता हूं। मम्मी ने हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। व्हाट? घर से निकाल दिया? आओ कम ऑन, हम तुमको लेकर अंदर चलता है। आओ 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 जल्दी आओ, डोंट बी नर्वस मैन, कम ऑन आओ जल्दी आओ। अरे अरे मम्मी कोई शैतानी करेगा तो मम्मी को घर से आउट कर देगा। हाँ जाने, तुम ये बदमाश पेशेरों के साथ बात करने को होता है? दे आर एब्सोल्यूट फ्रॉड्स, आई टेल यू, दे आर फ्रॉड्स। ए मम्मी के साथ फ्रॉड करता है? आगे से फ्रॉड करके तो जान से मार डाले। जॉनी, बच्चे लोग वास्ते ऐसा नहीं बोलता। You are correct. ऐसा नहीं बोलता। ए मामी के साथ गड़बड़ी करता है, चलो माफी मांगो। मारिया, बच्चे लोग माफी मांगेगा तो प्यारे हो जाएंगे ना। ए कहो माफी मांगो, जो हम बोले हमारा साथ साथ बोलो। बोलो बोलो मामी, मामी हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारा खुशी का खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारा खुशी का खिलाफ कुछ नहीं करेगा। देखो ना, माफी मांगा ना, अब तो ऐसे नहीं, हंसी खुशी के साथ, खुशी हंस हंस कर, हंस प्यार के साथ। I love you. That's it, Maria. नहीं देखो चीटिंग नहीं करो, मैं बोलती चीटिंग नहीं करो। हाँ हे मनु, देखो सर आ गए। हे सर, सर सर कविता दीदी कैसी हैं आप? दीदी कैसे? अच्छी है ना? तुम्हारा गोवा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ तो मोटरसाइकिल भी किराए पर मिलती है। आइए आइए आइए, आप मम्मी डैडी से मिला। आइए मम्मी, मम्मी डैडी, डैडी ये हमारे सर हैं, हमारे सर। हेलो, ये हमारे डैडी हैं। इसमें डैडी है, इसमें डैडी। हाँ कविता दीदी, कविता दीदी नहीं भाभी। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू प्रोफेसर अनिल शर्मा। सेम हियर। मजूर मालती ने जो भी कुछ खत में लिखा था पढ़कर बड़ी खुशी हुई, देखने चला है कि दुनिया में अभी तक आप जैसे लोग हैं। थैंक यू। तुम लोग बैठो ना, प्लीज सिट डाउन, हम कॉफी लेके आता है। हाँ प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। हाँ बैठिए, बैठो।
प्रोफेसर आप इधर को आया, आपको मिलकर हमको बहुत खुशी हुआ। आप किधर को ठहरा? टूरिस्ट होटल में, बस वहीं से चले आ रहे हैं, यहां से कल ही चले जाएंगे, शिप से बंबई और बंबई से घर। प्रोफेसर आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। एहसान मेरा? ये सर, अगर आप कॉलेज में रोमियो जूलियट ड्रामा नहीं बनाता तो ये दोनों रोमियो जूलियट नहीं बनता और घर से नहीं भागता। अगर घर से नहीं भागता तो हमको नहीं मिलता, अगर ये हमको नहीं मिलता तो हमारा शादी नहीं बनता। बाय द वे, बच्चों का फादर मदर कैसे हैं? अच्छे हैं, फिर भी उतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए, क्योंकि बच्चे तो यहाँ हैं। जॉन, एक्सक्यूज मी, माय वाइफ इज कॉलिंग। कविता को टीच देना। ये रही तुम्हारी टीसी, बहुत तरक्की कर ली है तुम लोगों ने, अच्छे फैशनेबल कपड़े, सुंदर मकान, इतने अच्छे मम्मी डैडी, है ना सर? वो लोग हमें याद करते हैं? करते तो हैं, 18-20 बरस पुराने माँ बाप अपने बच्चों को याद नहीं करेंगे? हमारे बारे में कुछ कहते हैं मधु? अब वो कहते भी हों तो सुनने के लिए तो तुम वहां हो नहीं। वैसे अब वो सब नहीं कहते जो पहले कहा करते थे। मारिया, तुम इतना गुड, तुम्हारा गुड मैनर्स किधर को गया? प्रोफेसर बहुत अच्छा आदमी है, प्रोफेसर बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। हाँ बहुत अच्छा आदमी। हाँ तो तुम जाओ उसके पास बैठो, हम नहीं आता है। वो प्रोफेसर है, उसका इतना नॉलेज है, वो चलाक है, वो आपको बुद्धू बना जाएगा। जॉनी, यू डोंट अंडरस्टैंड, वो हमारा मेहमान है, कॉफी जाने को देर होएगा तो क्या सोचेगा? उसको जो सोचता है सोचने दो, हम किसका है वो सोचता है? जॉनी, हम वो कॉफी नहीं बनाएगा और हम बाहर नहीं आएगा। तुमको कॉफी बनाने का तो तुम बना के ले जाओ। जॉनी, हम बाहर नहीं आएगा, हम बाहर नहीं आएगा। जॉनी जॉनी प्लीज, जॉनी प्लीज। उस वक्त हमें सर की वो बात समझ में आई। कौन सी बात? वही जो सर ने पहले दिन क्लास में कही थी, संयम की। वो संयम जो रोमियो जूलियट में नहीं था, और अगर हम में नहीं होता तो शायद हम ही खत्म हो जाते। अरे वारे, तू तो पुरखिन हो गई। प्रोफेसर कॉफी। बाल सफेद होने लगे। कुछ भी कहो अनिल, एक बार उन्हें चलने के लिए कहना चाहिए था तुम्हें, फिर जाती है ना जाती है उनकी मर्जी। नहीं कविता, वो लोग जाएंगे तो है नहीं, फिर कहने से फायदा ना? कोई फायदा नहीं। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि जैसे तुम उनसे ना सुनने से डरते हो। अरे ये डर तो तब हो जब तुम लोग यहाँ खुश ना हो। खुश होने और सुखी होने में कोई फर्क है? फर्क है, बहुत फर्क। मारिया, प्रोफेसर बोला बच्चे लोगों का फादर मदर अच्छा है, खुश नहीं है क्योंकि बच्चे लोग इधर है ना। जॉनी, तुम एग्जैक्टली क्या कहने को मांगता? मारिया, इतने कम टाइम में ये बच्चे लोग हमको, हम ये बच्चे लोगों को कितना प्यार किया, जरा सोचो। जिनके ये स्वीट स्वीट बच्चे हैं वो उनको और ये उनको कितना प्यार करता होगा। माय फुट, ये लोग अगर प्यार करता तो वो लोग कभी नहीं छोड़ता, और वो लोग प्यार करता तो ये लोग यहां भाग कर नहीं आता। जिसको जो चीज मिलना था ना उसको मिल गया। गॉड इज ग्रेट जॉनी, द केस इज फिनिश्ड, ओके? यस मारिया, गॉड भी तो ही बोलता है ना, जिसका चीज उसको दो, यही जस्टिस है। देखो जॉनी, अगर तुम हमारा गॉड बनने का ट्राई करेगा ना, हम तुमको अभी घर से बाहर निकालेगा। हम खुद दे जाएगा फिर वापिस आएगा। लेकिन एक चीज याद रखने का, प्यार बहुत कीमती चीज है, उसे संभाल के रखने का, ऐसा प्यार करने का जो हमेशा रहे। गुड नाइट।
मम्मी मम्मी बोलो ना मम्मी, क्या तुम बच्चों के माफी करता मम्मी? मम्मी मम्मी हम तुमको छोड़ के जाएगा मम्मी? हाँ मम्मी, नहीं मम्मी हम तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा मम्मी, हम तुमको छोड़ के किधर भी नहीं जाएगा मम्मी। हमने तुमको प्रॉमिस किया ना मम्मी, प्रॉमिस किया ना? नहीं नहीं मम्मी नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता, जहां हम लोग फेल हुए थे वहीं जाकर पास हो जाए? कैसी बात कर रही हो, इनके कितना एहसान है हम पर, और हम हैं तो वो हैं, हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा? और मैंने तो उनको मम्मी भी बोला है, उनको प्रॉमिस दिया है। अच्छा हुआ तुमने अपनी माँ को कोई प्रॉमिस नहीं किया। एक काम करो, तुम सर के साथ वापस चली जाओ। मैं आई तो तुम्हारे साथ थी मधु। तो क्या हुआ, जा तो सकती हो सर के साथ, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कहा ना मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। आइए आइए अंदर आइए। हम अंदर आने के वास्ते नहीं आए मिस्टर प्रोफेसर, हम तो प्रोफेसर साहब तुम इधर से चला जाओ, तुम गोवा छोड़कर चला जाओ, हमको मालूम है तुम घूमने के वास्ते नहीं आए और वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के वास्ते भी नहीं आए, तो हमारा बच्चों को यहाँ से ले जाने के वास्ते आया है, तुम उसका माँ और बाप की तरफ से स्पाइंग करता है मैं, हम तो बोल देता है मिस्टर प्रोफेसर, हम बच्चों को बहुत प्यार करता है, हम बहुत प्यार करता है, और वो तुमने तो देखा है साहब वो हमको कितना प्यार करता है, हमारा वो ब्यूटिफुल एंजल, उनका माँ बाप उनको डिजर्व नहीं करता है, वो प्यार नहीं करता है, वो समझता नहीं वो उधर क्यों जाएगा, प्यार हाँ करता है, वहां करता है, वो हमारे पास रहेगा, हमको नहीं जाने देगा, इस क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। मैडम आप ठीक कहती, हम लोग उन्हें डिजर्व नहीं करते, आप करती, लेकिन आपको अपने प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं, व्हाई शुड यू लूज योर कॉन्फिडेंस इन योर लव? कौन किसने कहा आई हैव नो कॉन्फिडेंस, आई हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है? अगर ऐसा होता तो आप सिर्फ ये कहने के लिए यहां तक नहीं आती, इज दैट क्लियर? I hate you, Mr. Professor. I hate you. Get out from here. Get out from Goa. Very hard. अजीब पागलपन है। जब लोग प्यार को अधिकार समझते हैं तो ऐसा ही होता है। जो सिर्फ खुशी का मोल करे, जो सिर्फ खुशी का मोल करे, वो दोस्त नहीं सौदागर है, जो अपने ही जीने पे मरे, जो अपने जीने पे मरे, वो दोस्त नहीं सौदागर है, जो सिर्फ खुशी का मोल करे। ले आ
बतलाता है हो सुख में संग और दुख से डरे हो सुख में संग और दुख से डरे वो दोस्त नहीं सौदागर है जो सिर्फ खुशी का मोल करे आपसे कुछ बात करनी है मुझसे आओ बैठो क्या बात है आप मधु को वापस भेज दीजिए क्या ये मधु ने तुमको बोला ऐसा बोलने को जी नहीं मधु आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता आप नहीं कहेंगी तो वो कहीं नहीं जाएगा वो आपसे बहुत प्यार करता है तुम जाएगा मधु को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी मधु भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा अब आप ही बताइए हम क्या करें कहिए आई नो तुम दोनों हमको छोड़ के जाने को मांगता है एंड व्हाई नॉट आफ्टर ऑल हम तुम्हारा मम्मी नहीं हमने तुमको पैदा नहीं किया और जो असली नहीं है वो असली नहीं हो सकता तुम हमारे प्यार को एहसान समझता यू आर अ फूल हम तुम्हारे प्यार को एहसान समझता तुम्हारे आने से पहले हमारा प्यार कहाँ था आई डोंट नो और तुम्हारे जाने के बाद हमारा प्यार कर क्या होगा आई जस्ट डोंट नो आई जस्ट डोंट नो हम तुमको रख भी नहीं सकता छोड़ भी नहीं सकता अब क्या करेगा क्या करेगा हम क्या करेगा बताओ बताओ मम्मी ऐसे करो जब तक प्रोफेसर गोवा में है ना
आप आपको लेके कई बार जाओ वेरी सॉरी प्रोफेसर, मारिया आने को नहीं सकता, पता नहीं मारिया बच्चे लोगों को लेकर किधर चला गया। मैडम से हमारा रिगार्ड कहिएगा। हाँ। और मैडम से कहिएगा कि बच्चों को लेकर जब भी हमारी तरफ से गुजरे, हाँ, हमारे यहाँ जरूर आए, हमें मिलकर बड़ी खुशी होगी। हम ट्राई जरूर करेगा प्रोफेसर, हम ट्राई जरूर करेंगे। अब चले चलिए। आप क्यों बेवजह तकलीफ? नो 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 प्रोफेसर, हम आपको सीव करने का, जब तक शिप नहीं जाता हम वेट करेंगे आपके साथ इधर। ऑलराइट, चलिए चलिए मैडम चलिए। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है ले जाओ तुम इन दोनों को, पर संभाल कर रखना, इनके माँ बाप को बोलना कि अगर कुछ गड़बड़ किया तो गो वाला मम्मी डैडी आके उनको ठीक करेगा। थैंक यू, कम ऑन जॉनी। जॉनी Johnny, come on! सिर्फ खुशी का मोल करे, जो सिर्फ खुशी का मोल करे, वो दोस्त नहीं सौदागर है, जो अपने ही जीने पे मरे, जो अपने ही जीने पे मरे, वो देखो, प्यार एक बहुत पवित्र चीज है, इसलिए छुप छुप कर प्यार करना पाप है। आज जिस प्यार के लिए प्राइवेसी अपराध है, कल वही तुम्हारा अधिकार होगा। सुनो, अगर तुम्हारा संतुलन बना रहा तो तुम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, संयम चाहिए।